is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from charge center itself. This is a school for my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिसालिया खेड़ा गांव में। और यहाँ पे आपको बता दें कि एक बहुत ही दुखदायी घटना जो है वो यहाँ देखने को मिली है। इस वक्त मैं अगर बात करूं तो रिसालिया खेड़ा से रामगढ़ रोड पे जो है वो एक खेत सड़क के किनारे यहाँ पे आप देखिएगा ये गड्ढा खोदा जा रहा है। ये गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है कि यहाँ पे नील गाय रोज जिसको देसी भाषा में बोलते हैं वो जो है वो मृत पाया गया है। ये मृत अपने आप जो है वो इसकी प्राकृतिक मौत जो है वो नहीं हुई है, बल्कि इसको जो है वो मारा गया है। यानी कि इसको अलग अलग जो है वो टुकड़े इसके जो है वो काटे गए हैं। आप देखिएगा इसकी गर्दन जो है वो अलग जगह पे पड़ी हुई है और बाकी का शरीर जो है वो अलग जगह पे है, और इसकी खाल जो ऊपर से जो चमड़ी है वो जो है वो एक किलो दूसरे अच्छा वो खाल जो है वो अलग जगह पे पड़ी हुई है, और ये खाल जो है वो एक किला दूर से काफी दूरी पे जो है वो यानी कि अलग अलग जगहों पे जो है वो इसके अलग अलग टुकड़े करके जो है वो फेंक दिए थे या रख दिए थे। इसके अलावा मैं आपको उस तरफ ये देखिएगा ये खून आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ एक हिस्सा जो है वो इसके शरीर का वो यहाँ पे भी जो है वो पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक बेजुबान जानवर के साथ इस तरह की दरिंदगी करने से लोगों को जो है वो क्या मिला होगा। केवल ये एक नहीं बल्कि इससे पहले भी 4-5 घटनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं, ऐसा गांव के लोगों का मानना है। और मौके पर अगर बात करें तो पुलिस को भी जो है वो सूचित किया गया, और वन्य जीव अभ्यारण्य की टीम को भी सूचित किया गया, और डॉक्टर साहब भी जो है वो पोस्टमार्टम करने के लिए जो वो यहाँ पे आए हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले गाँव के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या है। भाई साहब, क्या ये आपको कैसे सूचना मिली, कब देखा आपने? ये जी सूचना तो एक महीने से चल रही है जी। अच्छा। पहले केरवाड़ा रोड पे चल रहा था जी, उसके बाद में रात हम शादी में गए हुए थे, भाई की शादी थी तो उनको पूरी सूचना थी। मेरे गांव का भी बंदा इसमें साथ है जी, और उसको पूरी सूचना थी भी टीम है जो बाहर गई हुई है शादी में, तो रात ये कांड यही हुआ है जी। इससे जीव को मारते हैं जी, ये चौथी घटना है जी। अच्छा। पूरा डिपार्टमेंट आ रखा है जी, पूरी जी जान लगा रखी है, पर अभी तक कोई अपराधी हाथ नहीं है जी, हाथ नहीं है। नहीं जी। अच्छा, तो गांव के लोग हैं या बाहर के लोगों पे शक है? नहीं जी, गांव के लोग नहीं हो सकते जिसमें, ये बाहर के लोग आते हैं जी, पर गांव का जो ये बावरी नहीं है या कोई जो यहाँ खेत रखवालने वाले हैं इन पे शक है जी। एक दो पे उनके रेड भी मार रहे हैं जो हमारे साथ भाई बाहर से आए हैं, ये डिपार्टमेंट वाले ये आ रहे हैं, ये पूरा शक है जी उनपे, तो वो पूरा देखभाल कर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, आपका पहले तो इस घिनौने कार्य पर पहुंचने पर मैं के हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारी मांग यही है कि इस पूरा गांव में मतलब ये पांचवी वारदात होगी जी, तो पांचवी वारदात होगी इस में, मतलब प्रशासन से मांग यही है कि जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जो उनकी सजा है वाजिब सजा उनको दी जाए, और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा तो आपको। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा ये गड्ढा खोद करके जो है वो इसके जो शरीर को जो है वो ये बॉडी जो इस नील गाय के पड़ी हुई है इसको जो है वो दफनाया जाएगा, दबाया जाएगा। तो अब ऐसे में ये ऐसे कार्य जो है वो लगातार पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 3 से 4 घटनाओं को इस तरह की वारदातों को अंजाम जो है वो दिया जा चुका है। तो इस पर जो है वो इससे पहले आपने शिकायत की थी जब ये? हाँ जी, हाँ जी, पहले शिकायत की थी जी, 3 बार शिकायत की, पूरा स्टाफ आता है जी, और वो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, कैमरे खंगाल रहे हैं जी, एलनाबाद तक दवाई तक कैमरे खंगाल रहे हैं, वो रात को आते हैं जी, रात को। इससे पहले जो घटना हुई उसमें बॉडी जो है वो यही मिली या कुछ ले गए थे साथ? नहीं जी, वो उसमें सिर नहीं मिला जी, टांगे रहती है, नीचे नीचे से टांगे छोड़ जाते हैं, और सारा सामान है जो मीट वाला ले जाते हैं जी। अच्छा, मीट वाला ले जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं जी, सबसे हमारे लिए ये भी डर का भवन बना हुआ है जी, अगर रात को कोई भाई पानी लगाने खेत में है और ये 4-5 बंदे हैं इनके पास पूरा संज है जी, अगर कोई भाई अकेला पानी लगाने है तो उनको मार सकते हैं जी। ये सबसे बड़ा मॉल बना हुआ है जी, ये जीव है, जीव बचाने के लिए हम रात को जाते हैं, हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है जी, इसके लिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें जी, जल्दी से जल्दी इस कार्य को करें जी। एक आदमी को कहना है जी, 4-5 जना इकट्ठा हो जाए, एक 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 जना को कहना है पानी पूंड लगाना, एक जना को कहना है बगने हथियार हो गया सगड़ा, हां हथियार में
ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अभी डिपार्टमेंट से जो अधिकारी आए हुए हैं इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मामला है और इस पे क्या जो है वो संज्ञान लिया जाना है। सर ये क्या मामला है, इससे पहले भी 4-5 घटनाएं हो चुकी बता रहे हैं। पहले की तो खैर घटना का तो इतना हमें पता नहीं, लेकिन आज हम इन्होंने सूचना दी, गांव वालों ने मौके पे हमारा आया और रात को हमारा गार्ड जे इधर रिशपाल जी और एक केरला रोड पे यही था, गश्त पे था, क्यों हमें डाउट था जो भी कर सकते हैं, जो गांव वालों ने हमें CID दी थी कई दिन से। बाकी जो भी कार्रवाई हमने इसका पोस्टमार्टम करा दिया है, जो अपराधी सामने आएंगे उनके विरुद्ध विभाग भी कार्रवाई करेगा और पुलिस कार्रवाई करवाएंगे, वहाँ FIR दर्ज करवाते हैं जाके। अच्छा। जो चौकी इसको गोरीवाड़ा में। अच्छा ठीक है, तो पोस्टमार्टम में सर क्या कुछ आया है, कुछ नया? पोस्टमार्टम में ऐसा पार्ट्स तो पूरे है नहीं इसके। हाँ। जो भी है वो डॉक्टर वो लिखेंगे। क्या क्या चीज की कमी है? सारी बॉडी की कमी है इसमें, मांस नहीं। हाँ, इसमें कुछ खाल के टुकड़े हैं और ये सिरका है। वैसे ये तो आइडेंटिफाई तो हो ही रहा है, अभी ये रोज है इसमें, ये यदि ना होता ना ये आइडेंटिफाई, फिर इसके सैंपल भेजने पड़ते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये आइडेंटिफाई तो हो ही गया भी है, इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मीट जो है वो ले जा चुकी है, मीट ले जा चुकी। अच्छा सर, आप उधर केरवाड़ा रोड पे? हाँ केरवाड़ा, हाँ रात को केरवाड़ा रोड पे गश्त पे थे और वो बंदे दूसरे रोड पे कार्रवाई कर गए। तो बाकी गांव में शादी थी, कोई उनका DJ वगैरह तो उनको भी शोर में नहीं कुछ पता चला, तो वो अपनी कार्रवाई और हमें अंदाजा है जो कार्रवाई 2-2:30 के बीच में। अच्छा, रात के टाइम 12 बजे के बाद बात करी है। हाँ, तो हम अपने विभाग की तरफ से भी अभी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज करवाएंगे, बाकी जैसे ही कोई अपराधियों का पता चलेगा तो उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। कब तक पकड़ में आ सकते हैं अपराधी? देखो जी, हम तो कहते हैं आज ही पकड़े जाएं, कोशिश तो हमारी आज से ही है। आगे देखो कहाँ के है, जो बाहर के हो तो टाइम भी लग सकता है, जो लोकल हो तो आज ही या कल तई 2-4 दिन में काबू आ जाएंगे। काबू आने की 100% संभावना है, क्यों पुलिस से भी मदद हम लेंगे ना, पुलिस तो। बाकी अरसालिया गांव के लोगों का भी हमारे साथ पूरा सहयोग है इनका, तो ये यहाँ जो अरसालिया खेड़ा की गौशाला दल की जो टीम है उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ, बहुत अच्छा वो सहयोग दे रहे हैं। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो डिपार्टमेंट से जो है वो अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी निगरानी में जो है वो इसकी बॉडी जो है, जो पार्ट्स बचे हुए थे उनको जो है वो दफना दिया गया है, और इन फ्यूचर जो है वो इस तरह की कार्रवाई ना हो इसके लिए जो है वो गाँव के लोग भी जो है वो काफ़ी सख्ती से इसका जो है वो देख रेख करेंगे, निगरानी करेंगे, और डिपार्टमेंट की ओर से भी जो है वो निगरानी लगातार जो है वो की जाएगी। इससे पहले जो 4-5 घटनाएँ होने की खबर जो चली, तो उसी के मद्देनजर जो है वो जिस रोड पे पहले घटनाएं हुई थी उस रोड पे जो है वो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी जो वो लगाई गई थी, निगरानी कर रहे थे, लेकिन जो अपराधी है उनको इस घटना का पता चल गया, उनको भनक लग गई, और उसके बाद जो है उन्होंने उस रोड को छोड़ करके दूसरी रोड पर जो है वो इस घिनौने काम को जो है वो अंजाम दे दिया है। खैर, आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि अपराधी जो है वो जल्द से जल्द पकड़ में आए और बेजुबान जानवरों को मारने की सजा जो है वो उनको जो है वो अवश्य मिले, जरूर मिले। खैर, आपके आसपास भी जो है वो इस तरह की अगर कोई हरकत होती है तो आप भी ध्यान रखिएगा और ऐसे असामाजिक तत्वों को जो है वो सबक सिखाने का प्रयास कीजिएगा।